तो इस मूवी में एक टॉप क्लास किलर कैसे बन जाता है सबसे बड़ा एक्टर। तो मूवी की स्टार्टिंग हमें दिखा जाता है कि बारिश में एक सूट पहना आदमी छाता लेकर कहीं जा रहा होता है, तो अचानक से कार से किलर निकलता है और उसके पेट में चाकू घोपकर उसे अपनी कार की डिक्की में डाल देता है। इस मूवी में किलर मेन लीड है। इसके बाद हमें दिखा जाता है कि अपना दूसरा मेन कैरेक्टर कुछ फोटो को जला रहा होता है और खुद को मारने के लिए पंखे में लटकने जा रहा था, तभी उसकी मकान मालकिन आती है और डोक नॉक करने लगती है। मकान मालकिन बाहर से बोलती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नूडल्स लेकर आई हूँ। तो अपना हीरो मरना कैंसिल करके दरवाजा खोलता है तो मकान मालकिन बोलती है, तुमने मेरा रूम रेंट नहीं दिया है काफी महीने से और तुम बदबू भी बहुत मार रहे हो। तो हीरो बोलता है, मैं तुम्हें रेंट दे दूंगा, और दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है और फिर से मरने के लिए ट्राई करने लगता है। फिर सोचता है, मरने से पहले नहा लेता हूँ। तभी हमें पब्लिक बाथरूम में किलर और हीरो को दिखाते हैं। हीरो और किलर वहाँ नहाने आए थे। हीरो तो मस्त नहा रहा था, तभी अचानक से एक साबुन फिसल कर किलर के पैर के नीचे आ जाती है और इस वजह से किलर फिसल जाता है और जमीन बेहोश हो जाता है। तभी हीरो किलर के पास जाता है और उससे अपने लॉकर की बदल लेता है क्योंकि किलर काफी ज्यादा अमीर बंदा था। तभी वहीं पर हॉस्पिटल कुछ लोग आते हैं किलर को एडमिट करने के लिए। तभी हीरो बढ़िया किलर का लॉकर ओपन करता है और देखते ही पर्स में काफी ज्यादा माल भरा हुआ है। तभी वहाँ से हीरो किलर के कपड़े और उसका पर्स लेकर वहाँ से निकल जाता है और अपनी मकान मालकिन के पास जाता है और उसे उसका सारा रेंट दे देता है और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी। और फिर हीरो वहाँ से किलर की कार लेकर अपनी क्रश के पास चला जाता है। हीरो अपनी क्रश के पैसे लौटाता है तो क्रश बताती है कि नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है, जिससे अपने हीरो का दिल काफी ज्यादा टूट जाता है और वहाँ से निकलकर एक जगह कार को खड़ी करके सोचता है कि मैं कब तक इसकी झूठी लाइफ जीऊंगा। फिर हीरो डिसाइड करता है कि मैं यह सामान जिसका है उसे वापस कर दूंगा। तभी वह हॉस्पिटल जाता है और जैसे ही किलर का सामान नीचे रख रहा होता है तो किलर उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी किलर बताता है कि मेरा नाम युंग जय संग है, वैसे ही नाम अपने हीरो का है। किलर के सर में चोट लगने की वजह से वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल गया था। तभी दिखाते हैं किलर डिस्चार्ज हो रहा होता है तो किलर पैसे काउंटर में देने जाता है, लेकिन अब किलर काफी ज्यादा गरीब हो गया था और पैसे नहीं दे पाता। तो अपनी हीरोइन आती और किलर से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैसे भर देती हूँ। तो किलर बोलता है कि मैं घर पहुँचने के बाद आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। तो हीरोइन उसका पेमेंट कर देती है। तभी दिखाते हैं कि अपना हीरो किलर की कार में बैठा होता है और वह किलर के एड्रेस पर निकल जाता है। फिर इसके बाद दिखाते हैं कि अपनी हीरोइन किलर को उसके घर छोड़ने जा रही थी। तभी दिखा जाता है किलर और हीरो दोनों एक दूसरे घर पहुँच जाते हैं। हीरो और किलर का घर काफी ज्यादा पसंद आता है और यहाँ किलर भी हीरो घर पहुँचता है तो बोलता है कि कितना गंदा घर है और बदबू भी आ रही थी। किलर हीरोइन से बोलता है कि मेरे पास अभी फिलहाल पैसे नहीं है, इसलिए मैं बाद में आपको पैसे दे दूंगा। तो हीरोइन बोलती है कि कोई बात नहीं और वहाँ चली जाती है। किलर सोच रहा था घर का माहौल देखकर कि आखिर मैं मरना क्यों चाहता था। और तभी अपने हीरो को दिखाते हैं जो कि सोफे में बैठकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। और फिर हीरो टीवी चलाता है तो देखता है कि यह तो किसी के रूम पर लाइव वीडियो चल रही है। तभी हमें किलर को दिखाते हैं जिसने अपना पूरा घर साफ कर दिया था और बैठकर कुछ लिख रहा होता है। तभी हीरो को दिखाते हैं जो कि एक लड़की का रूम का लाइव टेलीकास्ट देख रहा होता है। वो लड़की अलग अलग तरीके से मरने का ट्राई कर रही थी और इसका नाम सौ है। भाई लोग, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और नए वीडियो बनाने के लिए। तभी हमें यहाँ किलर को दिखाया जाता है जो कि सिगरेट पीने का ट्राई कर रहा था लेकिन उसे उल्टी हो गई थी। तभी वहीं पर हीरोइन आ जाती है तो हीरोइन बोलती है, आप यह क्या कर रहे थे? तो किलर बोलता है, यहाँ पर बहुत सारी सिगरेट पड़ी थी इसलिए मुझे लगा कि मैं सिगरेट पीता हूँ और मैंने पीकर देखा तो मुझे उल्टी हो गई। किलर के पास पैसे नहीं थे तो इसलिए हीरोइन किलर को अपनी माँ के रेस्टोरेंट में ले जाती है और उसे वहाँ काम दिला देती है क्योंकि किलर को चाकू चलाना बहुत अच्छे से आता है। तभी हीरो को दिखाते हैं जो कि किलर के घर में काफी इंजॉय कर रहा था और वहाँ पर हर चीज देख रहा था। तभी वह किलर के मेन रूम में पहुँच जाता है जहाँ ढेर सारी गन्स रखी थी और फोन भी। हीरो देखता है कि वह लड़की सौ अलग अलग तरीके से मरने का ट्राई कर रही थी। उसे लगता है कि अब तो यह सच में मर जाएगी। तो वह उसके रूम पहुंचता है और उसे देखते ही हीरो को उस पर क्रश आ जाता है। तभी हीरो बोलता है कि आपके कूदने की वजह से मेरे रूम में काफी ज्यादा आवाज आ रही है। तो लड़की बोलती है, ठीक है, अब से ऐसा नहीं होगा, और दरवाजा बंद कर देती है। तभी हमें किलर को दिखाया जाता है जिसकी फूड मेकिंग स्किल की वजह से वह रेस्टोरेंट काफी ज्यादा फेमस हो गया था। किलर खाने को इतना डिजाइन से प्लेट में सजाता है कि लोग तो उसके दीवाने हो गए थे। और किलर की खाना बनाने की स्किल्स काफी कमाल की थी इसलिए काफी लोग रेस्टोरेंट खाना खाने आते थे। तभी हमें दिखाते हैं कि हीरोइन किलर को उसके घर छोड़ने आई थी और तभी उसे छोड़कर वहाँ चली जाती है। तभी किलर कैलेंडर में देखता है कि 24 तारीख के नीचे एक स्टेशन का नाम लिखा होता है और वह अगले दिन किलर उसी स्टेशन में पहुँच जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि युंग जय संग तो एक छोटा मोटा एक्टर है तो किलर भी एक्टिंग करने लगता है जहाँ उसे एक्टिंग की वजह से काफी ज्यादा दर्द झेलना पड़ता है। तभी दिखाते हैं कि हीरो
उसी लड़की पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही थी। लड़की पीछे कोई आदमी पड़ा हुआ था तो हीरो उसे एक कार में लेकर छुप जाता है। तभी किलर को रेस्टोरेंट में दिखा जाता है। वह सबसे बोलता है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनके रहूंगा, लेकिन सबको लगता है कि यह पगला गया है। किलर अपनी एक्टिंग काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी अगले दिन किलर का फाइट सूट था, लेकिन वो एक्टिंग करने के चक्कर में वो अपने अपोनेंट को काफी ज्यादा मारता है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को वो काफी ज्यादा पसंद आता है और उसे मेन रोल दे दिया जाता है। तभी दिखाते हैं कि सौ जहां जहां जा रही थी तो हीरो भी उसका पीछा पहुंच जाता है। तभी शूट का सीन दिखाते हैं, किलर अपनी फाइट का सीन शूट करवा रहा था, जिसकी वजह से अब वो धीमे धीमे फेमस होने लगा था। तभी हीरो को किलर के घर में दिखाते हैं, जहां उसे किम का कॉल आता है। वो किसी केस के बारे में बात कर रहे थे तो हीरो अपना भेष बदल कर उन डीलर से मिलने जाता है। वो लोग तो काफी ज्यादा डर रहे थे क्योंकि किलर काफी ज्यादा डेंजरस था। तभी हीरो चश्मा उतारता है। तभी हीरो चश्मा उतार कर सभी को देखता है तो सबकी फटके चार हो जाती है। तभी उस सौ को मारने का बात करते हैं क्योंकि सौ के पास उनके सबूत थे। तभी हीरो से ग्लास में हाथ लगने की वजह से ग्लास गिर जाता है, जिससे वहाँ पर लोगों की तो और भी फट जाती है। तभी हीरो वहाँ चला जाता है और हीरो को पता चलता है कि किलर कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि वो तो किलर है। तभी देखते हैं किलर का आज शूटिंग डे था, उसे शूटिंग में मरना था। तभी मूवी का हीरो उसे सच में मारता है, जिससे किलर गड्ढे में गिर जाता है। तभी किलर का गड्ढे से हाथ निकलता है और यह देखकर तो मेरी फट गई थी, क्योंकि मुझे लगा किलर की यादाश्त वापस आ गई है और सबको ये कहीं मार ना दे, लेकिन यहाँ सब नॉर्मल था। किलर अपनी एक्टिंग की वजह से टीवी में काफी फेमस हो गया था तो काफी लोग उससे उसका ऑटोग्राफ मांगने आने लगे थे। तभी वहीं पर हीरो भी किलर का पीछा कर रहा था तो किलर बोलता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना, इसलिए हीरो की तो सांस ही अटक जाती है। तभी किलर बोलता है तुम मेरा ऑटोग्राफ लेने आए हो ना, तो हीरो को सांस में सांस आती है। तभी अगले दिन शूट में किलर को रोमांटिक सीन प्ले करना था, लेकिन वह कुछ अच्छा कर नहीं पाता क्योंकि वह किलर था ना, तो प्रोड्यूसर बोलता है थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तभी दिखाते कि हीरोइन किलर के लिए खाना बना रही थी तो किलर बताता है कि मैं रोमांटिक सीन परफेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो हीरोइन उसे किस कर लेती है। तो किलर अगले दिन शूट में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। किलर अपनी नई जिंदगी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, तभी उसे अचानक सब कुछ याद आ जाता है। तभी वह अपने पुराने घर जाता है, जहां अपने घर की हालत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वह सीसीटीवी में सौ के साथ हीरो को देखता है तो वो उसके पास जाता है, तो हीरो सौ को बताता है कि ये तुम्हें मारने के लिए आया है, तो किलर बताता है कि मैं तो इसे बचा रहा हूँ। किलर दोनों को बताता है कि मैं किसी को मारता नहीं, बस मारने की एक्टिंग करता हूँ। तभी किलर सौ को बताता है कि मैं तुम्हें गैंग के सामने मारने की एक्टिंग करूंगा। तभी हमें दिखा जाता है कि हीरो सौ को उसी गैंग के पास ले जाता है ताकि वह उसे वहाँ मार सके। हीरो उसे सच में नहीं मारेगा, बस एक्टिंग करेगा ताकि सबको लगे कि सबूत मिट गया है। तभी अपना किलर आता है और वो पेन ड्राइव उठा लेता है और फिर हीरो और किलर के बीच फाइट होने लगती है। तभी किलर हीरो को जान से मारने की एक्टिंग करता है। तभी वहाँ किलर के पास उसकी हीरोइन आ जाती है तो वो उससे बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम, तो किलर बोलता है कहाँ से ये कमीनी लड़कियाँ आ जाती हैं। तभी किलर हीरोइन को साइड में ले जाकर बताता है कि वह बस एक्टिंग कर रहा है, तो हीरोइन भी वैसा ही करने लगती है। तभी गैंग को लगता है सब लोग मर चुके हैं, इसलिए सारे सबूत मिट गए हैं, इसलिए वो लोग वहाँ चले जाते हैं। तभी किलर हीरोइन को बताता है कि मेरा रियल नेम चोई युंग उफ है। तभी इन्हीं कपड़ों में किलर सूट पे जाता है, जहाँ वो सही से एक्टिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे रोमांटिक सीन मिला था। तभी किलर हीरोइन की तरफ देखकर एक्टिंग के जरिए अपना लव कॉन्फ्रेंस करता है, तो हीरोइन भी हाँ कर देती है और आखिरी सीन में हीरो भी किलर का को एक्टर का काम करता है और यहाँ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।